बहुत इजीली। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी साथ हैं, बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं निदा बात कर रही हूँ। सबाश जी, निदा कैसी हैं आप? हाँ अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। निदा क्या कहेंगी? जी सबाश ये जो आपने प्रोग्राम कराया बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है इसको देखने में। जी जी बहुत शुक्रिया। मुझे ये जाहिर सी बात है पहले तो नहीं पता था क्योंकि वाइट चैनल हमारे आता नहीं था। मुझे 2-3 दिन हुए ना वाइट चैनल लाइव हमारे केस। अच्छा अच्छा। तो प्रोग्राम देखते हुए बहुत मजा आया, खासतौर पर डॉक्टर साहब का सेगमेंट, क्योंकि उसमें मेरी पसंद की और मेरी बात यानी मेरे काम की बातें हो रही होती हैं। सही सही। तो आप कुछ पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? हाँ मैं डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहूंगी अगर वो बताना चाहें। जी जी जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। डॉक्टर साहब मेरी वालदा की जो है ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है, मतलब समझे मेंटली कैसे जी, लेकिन बस कोई दवाई वगैरह यूज नहीं करती, मुश्किल हो जाता है उन्हें कोई दवाई यूज करवाना ना जी। तो मैंने समदा हीलिंग के बारे में इसी टीवी से प्रोग्राम से सुना है, अगर आप मुझे कोई हेल्प कर सकते हो। जी ठीक है। क्या आपके अम्मी को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि वो बस पीती रहती हैं। अच्छा। यानी पूरा दिन पीती होती हैं, समझ नहीं आता क्या करें। क्या करती हैं? फिरती हैं, बाहर फिरती रहती हैं। बाहर फिरती रहती हैं? जी हाँ। अम्मी अम्मी अच्छा। अम्मी बाहर फिरती रहती हैं, बाहर लॉन में के गार्डन में कहाँ पर कि बिल्कुल शहर में कहाँ पर? रोड पर। रोड पर? रोड पर। अच्छा बहुत परेशानी होती है। अच्छा वैसे तो ठीक है ना? नहीं बस कोई आ जाए मेहमान तो उनसे भी कोई खास रवैया अच्छा नहीं होता, तो हमें समझ नहीं आता क्या किया जाए। नहीं मतलब ज़हनी तौर पर कुछ परेशानी तो नहीं है उनको? ज़हनी तौर पर ठीक है वो? बस घर में परेशानियाँ तो रहती हैं, अभी से नहीं काफी अर्सा हो गया उनके साथ ये मसला है। अच्छा ओके। बस मैंने ये पूछना था और एक सवाल करना था जी। हमारे जानने वाली सच्ची है वो भी कुछ इसी तरह मसला है, लेकिन वो बाहर तो नहीं फिरते, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं मेरे बच्चे जो है मेरे खिलाफ चलते हैं, मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन बच्चों से पूछा जाए तो बच्चे बोलते हैं ऐसी कोई मसला नहीं है, बिला वजह हम करती हैं। अच्छा ये डॉक्टर साहब ये तो बड़ा गंभीर सा एक मसला ये तो है। बहुत। आप चाय चीनी लीजिए। अच्छा क्या निदा जी कोई और सवाल करना चाहेंगी आप? हाँ मैं अपने बारे में करना चाहूंगी क्योंकि सर में बहुत दर्द रहता है, 3-4 दिन हो गए, पहले तो नहीं होता था इतना सर में दर्द, लेकिन जी हाँ आजकल बहुत है, आराम आ जाता है लेकिन फिर शुरू हो जाता है, आज भी है। तो आप तो टेंशन ले रहे होगे ना, कुछ सोचते होगे अम्मी के बारे में, परेशान रहते होगे। मैं ज्यादातर लेती तो नहीं हूँ क्योंकि ये अर्सा ही हो गया हम लोगों के साथ होता, बहुत हो गया, लेकिन हो सकता है आजकल ले रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों मेरे सांस की भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा ओके सही। तो बस मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब मुझे कोई हेल्प कर सके समदा हीलिंग से या कुछ, मुझे पता तो नहीं है इस बारे में। जी मैं बताता हूँ ठीक है मैं। ओके थैंक यू निदा, कॉल करने का शुक्रिया। आप पनीर देख सकती हैं डॉक्टर साहब का जवाब। अच्छा मैं चीनी डाला था इसलिए मुझे पता नहीं चला कि इनको प्रॉब्लम क्या है। इनके सर में दर्द थी। अच्छा। दर्द रहती है, पहले नहीं था लेकिन अब 2-3 दिन से जो है वो सर में दर्द काफी। 2-3 दिन से सर दर्द है। 2-3 दिन से तो कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है, बिजली चले जाता है, गर्मी लग जाते हैं या कुछ टेंशन गर्मी हो सकते हैं या फिर वैसा कोई टेंशन हो सकता है, टेंशन की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत दर्द मसल परमानेंट दर्द नहीं है इनके, शायद कोई वजह हो सकता है वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर ये है कि अगर आए वहाँ पे आए थर्सडे को इंशाल्लाह तशरीफ लें और अगर हो सके अपने अम्मी को साथ लें तो बहुत अच्छा होगा। तो लेक्चर में आप बहुत सारे कुछ सीखेंगे, आपको बता देंगे प्रैक्टिकली, मैं अच्छा मिलूंगा आपसे। और दूसरी बात ये कि कोई ना कोई ऐसा मसला है रोड पे घूमना किसी लेडी का, ये कोई नफ्सियाती मसला है? हाँ जी मैं वही कह रही थी कि मसला है घर में जो है वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं या कुछ लोगों को जो है वो कभी कभी घुटन सी महसूस होनी शुरू हो जाती है घर के एटमॉस्फेयर की वजह से या परेशानी की वजह से, तो वो ऐसा सही बात है लेकिन कभी घर वालों से कभी इस तरह की कोई ऐसा मसला है नफ्सियाती घुटन की बात और होती है, लेकिन ये देखिए नॉर्मल अगर कुछ लोग रात को खाना लेने के बाद लोग चहलकदमी करते हैं वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, खुशी से होता है कोई इस तरह
रोड पे भी होते हैं, स्ट्रीट के अंदर, लेकिन इस तरह के शायद मैं हम सही इनसे नहीं पूछा कि कितने वक्त कैसे उनकी कैफियत कैसे, वो कह रही थी कि जानना पड़ेगा हर वक्त जो है वो बाहर की घूमती रहती है। बिल्कुल ऐसे, ये एक बीमारी है, अगर हर वक्त बाहर घूमती रहती है ये एक बीमारी है। और मे भी इनको ये भी होगा, इनको ये भी होगा कि वो बार बार हाथ धोना और बार बार शायद वो नहाना, ये इस तरह के ज़रूर होंगे इनको, तो ये एक बीमारी होते ही उसका इलाज है। 100% है समुदाय लिंग और HMS में है। साइकोलॉजिकल कुछ मसले जो हैं वो मैं होंगे। दूसरा उनके भाई का था मसला। हाँ जी, क्या था उनका भी यही था, वो भी बाहर वो भी घूमते रहते हैं। अच्छा, ये कोई इस तरह के हो सकता है खानदानी, कोई बायजीन कुछ इस तरह के होंगे, शायद उसके ऊपर वाले जो हैं, जो दादा दादी नाना नानी, इसमें ज़रूर ऐसा होंगे कि कोई प्रॉब्लम बायजीन्स भी होते हैं। अच्छा, स्कूल ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट में और डॉक्टर साहब क्या क्या चीज़ें हैं? जी, स्कूल ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट में यही बेसिक चीज़ें होती है, PMBL, समदा और HMF, और इसमें है स्किल, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को किस तरह के अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को, मतलब दे एक्टिंग भी है आर्टिस्ट के लिए, ये बात जरूरी है, आर्टिस्ट के लिए बहुत अहम है कि वो अपने चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। हमारे जो आर्टिस्ट के जो मैं देखता हूँ उनके चेहरे बिल्कुल जिंदा नहीं होते हैं, वो बिल्कुल वो ऐसा जी बिल्कुल वो मकसद लोग बोर हो जाता है ड्रामे में या कोई इस तरह के। इंडियन में थोड़ा सा है, अभी उन्होंने शुरू किया, अगर कि इंडियन और पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट है इनके जो चेहरे बिल्कुल जमूद है उस पर बिल्कुल, यानी नहीं डॉक्टर साहब मैं नहीं एग्री करती, मैं समझती हूँ मोमेंट नहीं है उसमें। पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है ना, दे आर मच बेटर देन इंडियन आर्टिस्ट। पूरा बॉडी घुमाते हैं, चेहरे के नहीं होते हैं, याद है। आपने देख लिया होगा कि अंग्रेजों की चीजें कोई क्यों इतना पसंद करता है, एक लिहाज से जब हम बॉडी लैंग्वेज पे पढ़ते हैं कि जो अंग्रेजों ने इतनी तरक्की किए हैं वो इसलिए किए हैं कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो 80% काम करते हैं, 80% काम करते हैं। ये नहीं होता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है या आप किस तरह के, अहम ये होते हैं कि आप जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, अगर इस तरह था तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तानी ड्रामे हम फिर इंडियन चैनल्स को क्या करते, इतने चैनल हमने लगाए होते हैं, सारे इंडियंस होते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है उसके, अंग्रेज़ों के चैनल्स की क्या ज़रूरत है। हम अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने जो है ना चेहरे के एक्सप्रेशन को इतना बेहतर बनाएं कि वही मूव करते हुए लोग जो है उसे होते, जो भी आपने मैसेज भेजना है, जो भी आपने लोगों का ट्रैक करना है, वो होता है इसी चीज़ों से, बॉडी लैंग्वेज से होते हैं। सही, तो एक कॉलर भी साथ हैं, बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? सब आहत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, सुंदर बात कर रही हूँ जी। सुंदर, और मैंने 2 दिन पहले भी कॉल की थी जी। जी, आज मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि स्केल्स जो हमारी हैं उसके लिए कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ते हैं और हम अपनी स्किल्स को किस तरह एनहांस कर सकते हैं? स्किल्स को किस तरह एनहांस कर सकते हैं? हेलो, कौन से स्किल्स को? कौन-कौन से स्किल्स को सुंदर? मतलब जो हमारी जॉब में हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो काम आए, जो लाइफ में जो काम आते हैं। ओके ओके, ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ और पूछेंगे? जी ठीक है, ठीक है जी। ओके सुंदर, थैंक यू, डॉक्टर साहब बताते हैं अभी आपको जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज जी। जी, मेरे चाय खत्म होने वाली, चाय खत्म। चाय डॉक्टर साहब, आप चाय आज आपको अच्छी लग रही है? सुबह मैं सुबह पी कर नहीं आया आप? मुझे चाय पीता ही नहीं हूँ सुबह। अच्छा, बस यहाँ पर आकर एंजॉय करता, मजा आता है। अच्छा जी, मैं यहाँ चाय के लिए आता हूँ बिस्किट। तो ये स्किल्स जो है, इंसानी जो बॉडी के एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, और इसमें आपके जो है लैंग्वेज को किस तरह के बेहतर। अब देखिए, उर्दू मेरी मादरी जबान नहीं है, उर्दू में मैं एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा,
लेकिन मैंने उर्दू में लिखा है। उर्दू में मैंने कोशिश नहीं की है कि मैं पढ़ लूँ इसमें या मैं खास किसी शख्स से सीख लूँ। मैंने उर्दू में बुक्स भी लिखी है, मेरे अपने लिखाई है और मैं आपको उर्दू में समझा रहा हूँ, आपको उर्दू में बात कर रहा हूँ और आपको सही 100% समय उर्दू में लेक्चर देता हूँ 100%। ये होता है आप अपने स्किल्स को किस तरह के बेहतर कर सकें। सही। इस तरह अभी अगर आप मुझे पर्शियन में बात करेंगे, ईरानी जबान में बात करेंगे तो आप समझेंगे कि कोई ईरानी बात करते हैं और बिल्कुल भी आप नहीं समझेंगे कि ये कोई ईरानी नहीं है। दरी में बात करेंगे तो दरी में, पश्तो में बात करेंगे पश्तो में, पंजाबी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। सानू बहुत पसंद है पंजाबी, यकीन माने। पंजाबी कुड़ियां पसंद है, पंजाबी लोग पसंद है या पंजाबी जबान पसंद है या पंजाबी खाना पसंद है? हर चीज पसंद, सानू हर चीज पसंद है पंजाब के, साड़े पंजाब के सब कुछ पसंद है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात। वैसा सन साडा जो है ना पंजाब, बेसिकली माय फादर वाज फ्रॉम पंजाब एंड लाहौर। अब्बा जी पंजाब तो सन 60 साल पुराना, माशाल्लाह। हमारा अभी भी वही पेगर है तो सानू पंजाब था बहुत पसंद है। अच्छा, पंजाब दा तुसी असी मुसाफिर है, मुसाफिर है असी मुसाफिर। राइट जी, खवातीन हज़रात, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ और हम लेंगे आपसे इजाजत, डॉक्टर मुसाफिर से इजाजत लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर कल मुलाकात होगी 10:30 से 11 बजे तक और हमारे मेहमान भी हमारे साथ होंगे। तो जनाब आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा कल तक के लिए, आपसे होती है कल फिर मुलाकात। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज एंड रब राखा।